एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। और बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 1953 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी, दिसंबर 2018 में परीक्षा हुई थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रिजल्ट जारी किया था, 28 अगस्त 2019 को जारी किया गया था रिजल्ट। लॉकडाउन के चलते यह प्रक्रिया रोक दी गई थी। तो अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है और भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने की मांग की है। जिस तरीके से तमाम भर्तियों में नियुक्ति पत्र इस समय मिल रहे हैं, ऐसे में इन लोगों ने मांग की है कि ये भर्ती भी पूरी की जाए। 1953 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की गई थी और दिसंबर 2018 में परीक्षा हुई थी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रिजल्ट जारी भी किया था, 28 अगस्त 2019 को रिजल्ट जारी हुआ था, लेकिन लॉकडाउन के चलते आगे की प्रक्रिया को रोक दिया गया था, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की इन लोगों ने मांग की। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से रिजल्ट जारी हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी और इसी के बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। तो भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग की गई है और इनका कहना है कि जब परीक्षा 2018 में हो गई, अगस्त 2019 में रिजल्ट निकल गया, तब आखिर भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने में देरी क्यों की जा रही है। और इसी के बाद अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और इन लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। हालांकि जब हंगामा इनका नहीं थमा तब इनको हिरासत में पुलिस ने लिया है, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना इन्होंने दिया और इनका कहना है कि 14 महीने का वनवास खत्म करो, जब भर्ती प्रक्रिया में रिजल्ट घोषित हो गया है तब उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। नियुक्ति की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में वीडियो भर्ती के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास के पास इस समय पहुंचे और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री आवास के करीब ही ये लोग सड़क किनारे धरने पर बैठ गए हैं। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और अब इन लोगों को हिरासत में लेने की फिलहाल यहाँ पर तैयारी है। इन अभ्यर्थियों के पास हम चलेंगे और इन्हीं से जानेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं, क्योंकि लंबे समय से ये लोग अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे क्या इनकी मुख्य मांग है, क्या इनकी समस्या है। हमारे कैमरा सहयोगी राजू आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ की, इन लोग से बात करेंगे अभ्यर्थियों से। क्या नाम है आपका? हिमांशी। कहाँ से आए आप? हरदोई से। क्या मुद्दा है आप लोग? वीडियो भर्ती 2018 का नियुक्ति चाहिए, 2 साल हो गए हैं और अभी तक कुछ हम लोगों को क्लियर नहीं किया गया कब तक होगी, क्यों नहीं हुई नियुक्ति, क्या बताया गया? कुछ नहीं, कह रहे हैं कि ये जांच चल रही है, मतलब कोई ठोस कारण नहीं है रोकने का। आपका नाम? दीक्षा। आप कहाँ से आए? हरदोई से। आप लोग की किसी अधिकारी से या विभाग में किसी से बात हुई? बात होती है और हर बार यही कह देते हैं जांच चल रही है, पता नहीं कब तक चलेगी, कोई कुछ सही से क्लियर ही नहीं कर रहा है, क्या होगा, टाले पर टाले जा रहे हैं, कोई ठोस मुद्दा भी नहीं बता रहे हैं क्या है क्या नहीं। 2 साल से भर्ती के लिए अपने नियुक्ति के लिए तरस शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन ये देख लीजिए पुलिस प्रशासन हमें जबरदस्ती लेके जा रहा है। हम अपनी बात सीएम तक रखना चाहते हैं, लेकिन ये हमें जबरदस्ती लेके जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी जो उनका कहना है कि इस मामले में जो इनकी भर्ती थी ग्राम विकास अधिकारी की, ग्राम पंचायत अधिकारी की, उसको लेकर परीक्षा हुई, परिणाम आया, लेकिन इसी बीच कुछ चीज़ों के चलते इस मामले में एसआईटी की जांच बैठा दी जाती है। और अभ्यर्थियों का कहना है कि एसआईटी की जांच बैठाई गई कोई बात नहीं, लेकिन आखिर कितना समय लगेगा इस जाँच को पूरी होने में। बहरहाल पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया और अब यहाँ से इन लोग को ले जाया जा रहा है मुख्यमंत्री आवास के पास से, इन अभ्यर्थियों को अब हटाया जा रहा है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।